मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को 3 रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्य के संघर्ष ग्रस्त लोगों के लिए मुआवजा योजना को उन्नत करने की आवश्यकता शामिल है। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 पाकिस्तानी तस्करों को पकड़ा और उनके पास से 29 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कोलबाद जल विद्युत परियोजना में एक जलाशय में फंसे 10 लोगों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने रात भर के अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार में नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर पटना के कंकड़बाग में बने अटल बिहारी पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने इस घटनाक्रम को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की और कहा कि यह कदम बेहद आपत्तिजनक और बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भर्ती अनियमितता मामले में सीबीआई और ईडी पूछताछ के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। सीएम केसीआर ने कहा कि कुल 119 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 7 पर उम्मीदवारों में बदलाव होगा। गृह मंत्रालय ने हरियाणा कैडर के 2 आईपीएस अधिकारियों को 5 साल की अवधि के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति विदेशी असाइनमेंट या परामर्श के लिए विचार करने से रोक दिया है। राजधानी दिल्ली के निलौठी गांव की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की लपटों को देखकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। सूचना के बाद दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम के दौरान नारी शक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने कई बाधाओं को पार करते हुए मिसाइल से लेकर संगीत तक विभिन्न क्षेत्रों में महान ऊंचाइयों को छुआ है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है। दोनों पिछले काफी समय से चोट की वजह से बाहर थे, अब दोनों की वापसी हुई है। वहीं जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा भी वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम।